अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ये है मॉल। मॉल की अगर बात की जाए, लास्ट टाइम हमने एवोगैड्रोस नंबर को डिस्कस किया, मॉल काफ़ी ज़्यादा हद तक ना एवोगैड्रोस नंबर से मिलता जुलता है। मसलन हमने कहा था जी एवोगैड्रोस नंबर असल में कुछ नंबर की कलेक्शन है, जिस तरह हम कहते हैं दर्जन जब भी नाम आता है हमारे जहन में 12 नंबर आते हैं कि ये 12 चीज़ें होंगी। सेम इसी तरह एवोगैड्रोस नंबर अगर हमारे जहन में जब भी एवोगैड्रोस नंबर का नाम लिया जाए तो हमारे पास 6.0×10^23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मजमुआ एवोगैड्रोस नंबर कहलाता है। भाई ये बात आपने अच्छे तरीके से जहन में रखनी है। बाकी आपने क्या करना है, यहाँ पे मोल को समझना है। मोल को पहले थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ क्या है। मैं कहता हूँ जी मेरे पास ना 12 चीज़ें हैं, कोई भी चीज़ मैं ले रहा हूँ, एक दर्जन चीज़ों का मास जो होगा ना, एक दर्जन चीज़ों का जो मास होता है उसको एवोगैड्रोस नंबर कह रहे होते हैं, सॉरी मोल का नाम दे देते हैं। यानी एक दर्जन चीज़ें लें उसका जो मास होगा वो क्या होगा हमारे पास, सपोज कर लेते हैं मोल है, क्योंकि वो एवोगैड्रोस नंबर भी हमारे पास नंबर्स ही हैं। अब देखिए अगर कोई आप हर एक 12 चीज़ें ले रहे हैं ना, ज़रूरी नहीं है कि उसका मास हमेशा बराबर हो। मसलन मैं 12 अंगूर ले लेता हूँ, ये अंगूर बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, ये 12 ले लिए, इसके बाद मैंने 12 एप्पल ले लिए, सही है, यहाँ पे ये 12 मैंने एप्पल ले लिए, इसके बाद 12 मैंने बनाना केले वगैरह। अब देखिए हर एक चीज़ का अगर आप 12 भी लेते हैं ना, सारी की सारी चीज़ें जिनका मास एक दूसरे से डिफरेंट होगा, क्यों होगा, क्योंकि हर एक चीज़ का मास, मसलन आम का अगर मैं 12 आम ले लेता हूँ और भी चीज़ें 12 तरबूज ले लेता हूँ, हर चीज़ का मास क्या आ रहा है, एक दूसरे से डिफरेंट आ रहा है। सेम इसी तरह अगर आप किसी भी चीज़ के एवोगैड्रोस नंबर ले लें उसका जो मास होता है वो मोल कहलाएगा। इसी तरह आप इन सब के मास को, इसके मास को भी मोल का नाम देंगे, इसके मास को भी मोल का नाम ही देंगे, बेशक डिफरेंट आ रहा है, इसके मास को भी मोल का, सिर्फ क्या आपके पास होना चाहिए, वो चीज़ें 12 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 12 होनी चाहिए। अब यही चीज़ हम लेके जाएंगे एवोगैड्रोस नंबर के लिए कि अगर कोई चीज़ हमारे पास 6.0×10^23 बार आ जाए उस चीज़ का मास मोल कहलाएगा। उस चीज़ का मास क्या कहला रहा होता है, मोल कहला रहा होता है। ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। क्या है हमारे पास मोल, मोल द मास ऑफ 6.02, ये असल में मास है, द मास ऑफ 6.0×10^23 नंबर ऑफ एटम्स, ये एटम्स का मास हो सकता है, मोलिक्यूल्स का मास हो सकता है, एंड फार्मूला यूनिट का मास हो सकता है। फार्मूला यूनिट इसको हम नाम दे रहे होते हैं, इज कॉल्ड मोल, इसको हम मोल का नाम दे रहे होते हैं। इसके अलावा इसकी एक और भी डेफिनेशन है, वो ये है कि अगर आप किसी का एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास, फॉर्मूला मास को ग्राम के अंदर रिप्रेजेंट करवा दो, वो भी मोल है। इसकी दूसरी डेफिनेशन आ जाती है कि मोल की दूसरी डेफिनेशन क्या है, और या फिर अगर किसी चीज़ का एटॉमिक मास इसके बाद मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास, इन तीन चीज़ों के मास को फार्मूला मास, अब इन तीन चीज़ों के मास को किस में रिप्रेजेंट करवा दो, ग्राम में रिप्रेजेंट जाहर करवा दे, रिप्रेजेंट इन ग्राम, ग्राम के अंदर जाहर करवा दो, इस चीज़ को भी हम 1 मोल का नाम दे रहे होते हैं। क्या नाम दे रहे होते हैं, 1 मोल का। और याद रखिएगा एटॉमिक मास एलिमेंट का होता है, मोलिकुलर मास मोलिक्यूल का होता है, फार्मूला मास आयन कंपाउंड का होता है। इसके सिंपल से अगर मैं डेफिनेशन करूं तो इसकी डेफिनेशन इस तरह बनेगी, व्हेन एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, मोलिकुलर मास ऑफ मोलिक्यूल, फार्मूला मास ऑफ आयोनिक कंपाउंड इज रिप्रेजेंट इन ग्राम इज कॉल्ड मोल, इसको हम मोल का नाम दे रहे होते हैं। एक दोबारा सुन लें, व्हेन एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट मोलिकुलर मास ऑफ मोलिक्यूल, फार्मूला मास ऑफ आयनिक कंपाउंड इज रिप्रेजेंट इन ग्राम इज कॉल्ड मोल। ये सिंपल सी डेफिनेशन है, डेफिनेशन को याद रखिएगा। इसके बाद हमारे पास आ जाती है रिप्रेजेंटेशन, आप इसको जाहिर किस तरह कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन
याद रखिएगा इसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए हम एम ओ एल का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, मोल। इसका यूनिट भी मोल ही है, इसकी सिंपल रिप्रेजेंटेशन मोल से कर रहे होते हैं एम ओ एल, और इसका यूनिट भी मोल ही। आपने फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा क्वांटिटी का यूनिट एम ओ एल क्या होता है, एम ओ एल। ये रिप्रेजेंटेशन और मोल तकरीबन एक दूसरे का रिप्रेजेंटेशन भी सेम है, मोल इसका जो यूनिट है वो भी सेम है। इसकी जगह पे आप यूनिट भी लिख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, यूनिट है। अच्छा, इसके बाद सबसे लास्ट वाली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो फार्मूला। इसके बाद कुछ एग्जांपल्स लिखेंगे, फार्मूले को याद रखिएगा, फार्मूला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फार्मूला अगर आप किसी भी चीज़ का निकालना चाहते हैं, एटॉमिक मास या नंबर ऑफ मोल्स निकालना चाहते हैं, उसके लिए फार्मूला आपने जहन में अच्छे तरीके से रख लेना है। फार्मूला क्या हमारे पास कि अगर आप मोल मालूम करना चाहते हैं तो गिवन मास ऑफ सब्सटेंस ऊपर रखना है, गिवन मास ऑफ सब्सटेंस। अच्छा, इसको गिवन मास ऑफ सब्सटेंस भी कह देता है, बस दफ़ा इसको सिंपल कह देते हैं मास ऑफ सब्सटेंस, और मोलर मास को नीचे रखना है, मोलर मास नीचे रखेंगे। ये हमारे पास इसका फार्मूला है मोल अगर निकालना चाहते हैं। इसके बाद लास्ट वाली चीज़ आ जाती है एग्जांपल्स। एग्जांपल्स में याद रखिएगा हमारे पास आपको किसी भी चीज़ का एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास आता है ना, तो आप एग्जांपल लिख सकते हैं। मैं कहता हूँ जी कार्बन का 12 होता है, क्या होता है 12 एटॉमिक मास होता है, इसको ग्राम कर दो 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 1 मोल, ये क्या होगा इसका 1 मोल होगा। इसी तरह मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ, 18 ग्राम वाटर का ले लो, 18 ग्राम ऑफ H2O, ये चीज़ हमारे पास भी 1 मोल के बराबर होगी। इसके बाद हमारे पास एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 58.5 ग्राम ऑफ NaCl आयनिक कंपाउंड है, ये भी इसका 1 मोल होगा। अच्छा, यहाँ पे मैं कुछ कन्वर्जन करवाऊँगा, कन्वर्जन याद रखिएगा कि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। किस लिहाज से, आपको जितने भी न्यूमेरिकल सोल्व करने ना, सारे के सारे इसके ऊपर बेस करेंगे। ये जो एक तरतीब से बनवाऊँगा ना, इसको अपने जहन में बिठा लीजिएगा, बिल्कुल सिंपल सी है, इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। ये आपको जाकर फर्स्ट ईयर के अंदर भी हेल्प करेगी, याद रखिएगा फर्स्ट ईयर के अंदर पहला चैप्टर है उसके अंदर मोल के रिलेटेड बड़े न्यूमेरिकल दिए गए, मोल के रिलेटेड काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं। बस उस चीज़ को जो सारी की सारी बेस कर रही थी इस चीज़ की, जो भी मैं समझाऊंगा आपको, ये दस्तों दिखाइएगा। अब यहाँ पे हमने एक कन्वर्जन लिखनी है, अगर आप नंबर ऑफ पार्टिकल, लास्ट टाइम हमने एवोगैड्रो नंबर को डिस्कस किया, मोल और मास ऑफ सब्सटेंस में एक रिलेशनशिप लिखने लगे। अच्छा, अगर मेरे पास मास ऑफ सब्सटेंस इस तरह कुछ लिख लेना, मास ऑफ सब्सटेंस, इसके बाद हम लिखेंगे मास ऑफ सब्सटेंस के बाद यहां पर दरमियान में लिखना है मोल, इस साइड पे नंबर ऑफ पार्टिकल, इस साइड पे आपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाले, पार्टिकल्स। अब इस चीज़ को यूज़ करते हुए ना सारे के सारे फार्मूले बना लोगे। मसलन मास ऑफ सब्सटेंस सबसे पहले आएगा, मोल और नंबर ऑफ पार्टिकल। अब आप अगर यहाँ से यहाँ पे जाना चाहते हैं, मतलब आपको मास ऑफ सब्सटेंस दे दें और आप मोल को निकालना चाहते हैं, तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, सिंपल सा है जी, डिवाइड कर दो, ये तकसीम की इलामत है, डिवाइड कर दो मोलर मास है, किससे डिवाइड कर दो, मोलर मैं से आपने डिवाइड कर देना है। अगर आपको यहाँ से यहाँ पे आना पड़े तो इसका बिल्कुल रिवर्स, मल्टीप्लाई करवा दो मोलर मैस से, मोलर मैस से, मोलर मैस। अगर आपको मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल पे जाना पड़े, मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल पे जाना पड़े, तो आपने क्या करवा देना है, मल्टीप्लाई करवा देना है। मैं यहाँ पे सिंपल लिखूंगा एन ए से, एन ए आपको पता है एवोगैड्रो नंबर है, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू 6.02 × 10⁻²³ होती है, यानी अगर मोल से आप नंबर ऑफ पार्टिकल पे जाना चाहते हैं, सिंपल आप मोल को क्या करवा दो, मल्टीप्लाई करवा दो एन ए से, और अगर यहाँ से यहाँ पे आना चाहते इसका बिल्कुल रिवर्स, तकसीम करवा दो एन ए से। ले ये हमारे पास चीज़ है, अगर ये चीज़ समझ आ गई तो आप सारे के सारे न्यूमेरिकल सोल्व कर लेंगे। तो कोशिश करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स आपकी बुक में भी दी गई हैं, तो हम वहाँ से कोशिश करेंगे कि ये चीज़ को समझ लें। अब देखें, अगर मैं मोल निकालना चाहता हूँ ना मास ऑफ सब्सटेंस से, ये वाला फॉर्मूला चेक कीजिए किस तरह बना हुआ है, मैं मोल निकालना चाहता हूँ कहाँ से, मास ऑफ सब्सटेंस से, ऊपर मास ऑफ सब्सटेंस दिया हुआ है। अब देखें, मैंने क्या किया, मोल निकालने के लिए मास ऑफ सब्सटेंस को डिवाइड करवा दो मोलर मास से, मास ऑफ सब्सटेंस को डिवाइड करवा दो मोलर मास से,
ये जो दरम्यान बटा होता है ये डिवीजन की अलामत होती है। ये किसकी अलामत होती है? डिवीजन की। चलें ये कुछ न्यूमेरिकल सिंपल से यहाँ पे दिए होंगे कुछ। चलिए पहला जी, हमारे पास कैलकुलेट द ग्राम मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ मोल्स इन 40 ग्राम ऑफ H3PO4। कहते 40 ग्राम H3PO4 है, इसमें मोल मालूम कर दो। ये एग्जांपल नंबर क्या है? ये हमारे पास एग्जांपल नंबर है 1.4। एग्जांपल नंबर है 1.4 और हमें जो चीज़ प्रोवाइड कर रहा है वह कहते हैं जी 40 ग्राम क्या है H3PO4। इसको कहता है फास्फोरिक एसिड। 40 ग्राम ऑफ H3PO4 और इससे हमने मालूम कौन सी चीज़ करनी है जी? मोल। कौन सी चीज़ मालूम करनी है? मोल्स मालूम करने हैं। अच्छा अब गौर करें, कौन सी चीज़ दी गई और कौन सी चीज़ पूछी हुई है? मैस ऑफ सब्सटेंस तो नहीं दिया गया। ये देखें, मैस ग्राम यूनिट होता है मैस का, मोल का यूनिट MOL होता है, पार्टिकल्स का कोई यूनिट नहीं होता, ये नंबर है। ये बात सिंपल याद रखें, जहाँ पे भी ग्राम लिखा हो ना वहाँ पे आप जान लीजिएगा, इसको जहन में बिठा लीजिएगा, वो मैस का यूनिट है। यानी कि ये वाली चीज़ हमें दे रहा है और ये वाली चीज़ पूछ रहा है। अब हमने यहाँ से यहाँ पे जाना है, चेक करें, यहाँ से यहाँ भी ऊपर वाला एरो रिप्रेजेंट करता है, अगर हम यहाँ से यहाँ पे जाएं तो डिवाइड करवा दो मोलर मैस पे। चले जी मैं फॉर्मूला बना देता हूँ, ये हमारे पास क्या बने, मोल अगर निकालना चाहते हैं तो ये बन जाएगा, मैस ऑफ सब्सटेंस को ऊपर रखो, मैस ऑफ सब्सटेंस ओवर मोलर मैस, मोलर मैस, सही। अब देखें मैस ऑफ सब्सटेंस कितना है हमारे पास? 40। मोलर मैस कहाँ से ले? मोलर मैस आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कहाँ से कैलकुलेट करते हैं? फॉर्मूले से। मोलर मैस आपको फार्मूले से कैलकुलेट करना पड़ता है। जहाँ फार्मूला देखें तो हमारे पास क्या है फार्मूला? H3PO4 है। ज़रा गौर कीजिएगा, H3PO4 मैं निकाल लूँगा H3PO4 का मोलर मैस। 3 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन का 1 होता है, प्लस कितने सल्फर हैं हमारे पास? 1 सल्फर है, 1 सल्फर का वैसे भी 31 होता है, मैंने 31 लिख दिया। 4 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन का 16 होता है। 3 जमा 31 जमा 16 32 64, 4 और 1 5 और 3 8, 98 बन रहा है। कितना बन रहा है? 98। आप इसको डिवाइड कर दो 98 पे, जो आंसर आएगा वो आपके पास मोल्स होंगे, जो भी होगा 0.408। ले जी ये एक एग्जांपल हो गया, बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल है, इसको जहन में रखिएगा। अब इसके बाद एक और मेरे ख्याल से एग्जांपल दी होगी यहाँ पे 1.5। कहता यू हैव अ पीस ऑफ कोल, कहता आपके पास कोयले का एक टुकड़ा है, उसने साथ में ब्रैकेट बना के लिख दिया है कि कोयला असल में कार्बन है। क्या हमारे पास? कार्बन। यानी कि यहाँ पे सिंपल बात याद रखिए, हमारे पास कार्बन है, उसका वेट किया तो पता चला उसका वेट है 9 ग्राम। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कोल इन अ गिवन मैस, कहता जी आप इसके नंबर ऑफ मोल्स मालूम कर दो। ये एग्जाम्पल नंबर 1.5 है। क्या है एग्जाम्पल नंबर 1.5? एग्जाम्पल नंबर 1.5, ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ पे आपको ये वाली चीज़ प्रोवाइड कर रहा है। यानी कि वो कह रहा है जी हमारे पास 9 ग्राम 9 ग्राम है ऑफ कार्बन। अब इससे आपने कौन सी चीज़ निकालनी है? मोल ही निकालने हैं। कौन सी निकालनी है? मोल को ही कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, मोल का फार्मूला क्या है? मोल इज इक्वल टू मैस ऑफ सब्सटेंस, मैस ऑफ सब्सटेंस ओवर मोलर मैस, ओवर मोलर मैस। सही। चलिए जी मैस ऑफ सब्सटेंस को ऊपर रखो, क्या दिया गया हमें? 9 ग्राम। जो एग्जामिनर प्रोवाइड करेगा उसको हमेशा ऊपर रखना है। मोलर मैस कहाँ से कैलकुलेट करेंगे? फार्मूले से। कार्बन का एटॉमिक मैस होता है 12 को नीचे रखो और हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो हमारे पास क्या 0.75 इसका आंसर है। अब इसके बाद अगर और एग्जांपल देखें, एग्जांपल नंबर 1.6 नेक्स्ट है हमारे पास। एग्जांपल नंबर 1.6
कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 6 ग्राम ऑफ वाटर। हमें जो चीज़ प्रोवाइड कर रहा है वो 6 ग्राम पानी है, क्या चीज़ प्रोवाइड की है, 6 ग्राम ऑफ वाटर। अब इसमें जो चीज़ें मालूम करनी है वो चेक कीजिएगा। कहते जी पहले नंबर पे मालूम कर दो जी इसमें मोल कितने, सेकंड नंबर पे मालूम कर दो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने, थर्ड नंबर पे मालूम कर दो जी नंबर ऑफ एटम्स कितने, नंबर ऑफ एटम्स। लो जी ये चेक कीजिएगा किस तरह काम करेंगे, बिल्कुल ईजी सा है। सबसे पहले जो चीज़ हमें सिंपल है वो तो निकालो ना, मोल देखें मैथ दिया है, मैथ हमने कहाँ पर जाना है, मोल्स, मोल्स पर नेक्स्ट जाएंगे। याद रखिएगा डायरेक्ट कभी भी नहीं जाइएगा, यहाँ से डायरेक्ट आप नहीं जा सकते, सिंपल यानी कि सबसे पहले आपको मोल मालूम करना पड़ेगा। कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़े सबसे पहले उसका मोल मालूम कर लो, कोई भी चीज़ दी गई हो उसके मोल मालूम करो, आगे फिर आपको पता चल जाता है कि आगे क्या काम करना है। अगर नहीं भी पता चलता तो आपको हाफ नंबर मिल जाएंगे इस चीज़ के, सही। चलो जी मोल तो मालूम करो, मोल हमारे पास मालूम करने का फॉर्मूला देखिएगा, मोल इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस ऊपर मास ऑफ सब्सटेंस, उस शय का मास आपने ऊपर रखना है ओवर मोलर मास, मोलर मास। अगर मास ऑफ सब्सटेंस की बात की जाए, मास ऑफ सब्सटेंस कितना हमें जो दिया गया है वह 6 ग्राम, क्या है 6 ग्राम। अब 6 ग्राम आप बाकी देखें जी मोलर मास कहाँ से निकालना है, यहाँ से वाटर का मोलर मास निकालेंगे तो हमें पता चलेगा 2 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, 1 ऑक्सीजन है हमारे पास 16, ये 18 बन जाएगा ये हमारे पास, सही है। वाटर का मोलर मास कितना है जी 18। अब इसको डिवाइड करेंगे ये हमारे पास आई थिंक 0.33 आएगा, 0.3 क्या यही आ रहा है, सही है ना, 0.33 मोल्स आ जाएंगे। चलो जी एक चीज़ हमने मालूम कर ली, वो क्या है जी मोल्स को मालूम कर लिया, बाकी चीज़ें कौन सी रह गई हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब देखें मेरे पास मोल निकला है, मैं इस चीज़ पर जाना चाहता हूँ पार्टिकल्स के अंदर, याद रखिएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का भी कॉन्सेप्ट होता है, नंबर ऑफ एटम्स फॉर्मूला यूनिट सारे के सारे कॉन्सेप्ट पार्टिकल्स के अंदर मौजूद होते हैं, पार्टिकल्स के अंदर मौजूद होते हैं, ये बात आपने सिंपल से याद रखनी है। अब पार्टिकल हमारे पास है, अब यहाँ पर गौर कीजिएगा कि हम यहाँ से अब क्या करना चाहते हैं, हम यहाँ से यहाँ पर जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ये वाली चीज़ मालूम करना चाहते हैं। पहले मैं इसको इस साइड पर लिखूंगा, ये वाली चीज़ क्या करना चाहता हूँ, मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मालूम करना चाहता हूँ, चलिए चेक कीजिएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू, अब इसका फॉर्मूला बनाने लगा, मेरे पास मोल निकले हुए, चेक करें मेरे पास मोल है, मोल को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ एन ए से, क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएंगे, यानी मोल को क्या करूँगा मल्टीप्लाई करूँगा एन ए से, मोल मल्टीप्लाई बाय एन ए, मोल कितने हमारे पास ऊपर दिए हुए 0.33, इसको मल्टीप्लाई कर दो 6.02 × 10⁻², क्या आंसर आएगा इसका 1.98 × 10⁻²³ मॉलिक्यूल। ये क्या हमारे पास है, अच्छा यहाँ तक तो काम बड़ा इजी था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल लिए, नंबर ऑफ एटम्स पे जाकर थोड़ा सा ना कन्फ्यूजन होती है। तो हमने एक बात मैंने थोड़ी देर पहले कही, एक पार्टिकल के अंदर एटम भी होते हैं, सारा कुछ होता है, लेकिन जो उसने एग्जामिनर ने हमें दिया है वो मॉलिक्यूल के लिहाज से दिया है। अब मैं कहता हूँ जी वाटर का अगर मैं एक मॉलिक्यूल लेता हूँ ना, ज़रा गौर कीजिएगा यहाँ पे, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, मेरे पास वाटर का मॉलिक्यूल ये वाला है, ये है पूरे का पूरा वाटर का मॉलिक्यूल। अब कहता है जी इसमें एटम्स बता दो टोटल एटम कितने हैं, अब यहाँ पे गौर करो कितने एटम हैं, एक मॉलिक्यूल के अंदर 3 एटम मौजूद हैं, कितने एटम मौजूद हैं 3 एटम। अब मैं कहूँगा तो क्या करूँ, क्या करूँ, मैं कहता जी मेरे पास 12 हैं, ये वाली चीज़ें कितनी हैं, पानी के जो मॉलिक्यूल हैं ये सारे के सारे कितने हैं 12 मॉलिक्यूल हैं, मुझे ये बताओ टोटल एटम्स कितने होंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, सही है, क्या करूँगा, देखिए 3 एटम है ना, मैंने कहा मेरे पास पानी के ये वाली चीज़ें 12 हैं, इसके अंदर बताओ ये वाली और ये वाली चीज़ें कितनी होंगी, सिंपल करूँगा जी 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि मैं एटम निकालना चाहता हूँ, 12 × 3, 3 से क्यों किया, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर 3 एटम मौजूद हैं, वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर 3 एटम मौजूद होते हैं, जिसके लिए हमने यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, किससे मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, ये समझ है। अब देखें अब जो हमने निकाले ना वह है जी इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल,
अगर इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं, अब वाटर के अंदर एटम्स को निकालना चाहते हैं, क्या करेंगे? तीन से मल्टीप्लाई करवा दो, सिंपल सा काम है जी। अब यहाँ पे भी इसके नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ H2O, वाटर के नंबर ऑफ एटम निकालना चाहते हैं, तीन मल्टीप्लाई बाय थ्री मल्टीप्लाई बाय 1.98 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 का आंसर आएगा हमारे पास 5.94 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23। लो जी, ये हमारे पास आ गया। इसके बाद कोई और न्यूमेरिकल है जी? अभी एक और न्यूमेरिकल है बच्चे, कहते देर आर, अब थोड़ा सा काम ना रिवर्स कर रहा है, जरा गौर कीजिएगा इसके ऊपर भी, बिल्कुल सिंपल सा है। वो चीज़ अगर जहन में रखते हैं ना थोड़ा सा, तो सारा का सारा काम इजी हो जाएगा भैया। बात आपने अच्छे तरीके से याद रखनी है, बाकी अगर कुछ चीज़ याद कर सकते हैं तो लाजमी कीजिएगा, अगर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। चलो जी, यहाँ पर आप हमारे पास एग्जाम्पल नंबर है 1.7, एग्जाम्पल नंबर 1.7, 1.7 एग्जाम्पल नंबर है। ज़रा गौर करना है यहाँ पे, कहता हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड के 3.01 इन 10 रेज़ पावर 23। अब क्या हमें दे रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, किस चीज़ के? कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ CO2 कितने हैं? 3.01 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23। और कैलकुलेशन कौन सी चीज़ों की करनी है? कैलकुलेशन हमने करनी है यहाँ पे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड इट मास, नंबर ऑफ मोल निकालने और मास निकालना है। कौन सी दो चीज़ें निकालनी है? नंबर ऑफ मोल और मास ऑफ CO2, मास ऑफ CO2, ये वाली चीज़ें निकालनी है जी। अगर गौर करेंगे ना, ये वाला न्यूमेरिकल का बिल्कुल रिवर्स दिया गया है, यहाँ पे मास दिया था, मोल निकालने थे और नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने थे। अब यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल दे दिए, नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल निकालने, मोल से मास निकालने। चले सबसे पहले हम मोल ही निकालेंगे, सही, मोल निकालने का फार्मूला बनाना पड़ेगा हमें। चलो गौर कीजिएगा ज़रा फार्मूला किस तरह बनेगा। मोल अगर निकालना चाहते हैं तो गौर कीजिएगा, हम देखें मोल निकालना चाहते हैं, मोल के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल को डिवाइड। देखें मैं यहाँ से, ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर आपने यहाँ से यहाँ पर आना है, क्या करो, नंबर ऑफ पार्टिकल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को डिवाइड करवा दो अन्य से, किसे डिवाइड करवा दो, चलो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या पार्टिकल ही लिख लें, कोई बात नहीं है, या पार्टिकल्स को आप डिवाइड करवा दो एनए से, एवोगाड्रो नंबर से। चलो गौर कीजिएगा, ये हमारे पास क्या आ गया जी, नंबर ऑफ पार्टिकल जो दिए गए हैं 3.01 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23, इसको डिवाइड करवा दो 6.02 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23, इसको डिवाइड करोगे ये इससे कैंसिल, ये हमारे पास 0.5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0.5 मोल। लो जी, एक चीज़ तो हमने मालूम कर ली है, कौन सी चीज़? मोल। अब मोल से कौन सी चीज़ मालूम करना चाहते हैं हम? मोल से मालूम करना चाहते हैं मास ऑफ सब्सटेंस, किसी भी चीज़ का मास को मालूम करना चाहते हैं। गौर कीजिए क्या करना पड़ेगा, मैंने ये वाली चीज़ निकाली है, गौर कीजिएगा, मैंने मास ऑफ सब्सटेंस निकालना है, मास ऑफ सब्सटेंस को निकालना चाहता हूँ, क्या करना पड़ेगा? अगर मैं मास ऑफ सब्सटेंस निकालना चाहता हूँ, मोल को मल्टीप्लाई करवा दो किससे? मोलर मास है, मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। चलिए जी, मोल तो हमें पता है कितने हैं, 0.5, मोलर मास निकालना पड़ेगा। मोलर मास को क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। मोलर मास देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना है, कार्बन का होता है 12 जमा 2, ऑक्सीजन का होता है 16, सही, ये 12 जमा 32 और ये आ जाएगा 44, ऐसा ही है, हाँ 44 ही आएगा। अब क्या करवा दो, इसको मल्टीप्लाई करवा दो 44 से, सही है, ये हमारे पास आ जाएगा 22 ग्राम। लो जी, ये थे जी हमारे पास, कोई और तो न्यूमेरिकल नहीं है। लो जी, ये सारे के सारे न्यूमेरिकल्स ख़त्म हो गए, मोल का चैप्टर भी ख़त्म हो गया, तो ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया।
इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।